क्या सिर्फ एक केले के पत्ते से ऐसा डेकोरेशन हो सकता है? मैंने इससे पहले ऐसा इमेजिन नहीं किया था, लेकिन इस बार किया तो जान लिया कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप भी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट रिजल्ट आपको भी डेफिनेटली शॉक्ड कर देगा। हेलो श्रिया एंड वेलकम टू माई चैनल। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए। तो आज मैं नवरात्रि का डेकोरेशन करने वाली हूँ, क्योंकि माँ का स्वागत जो करना है वो भी इस नेचुरल बनाना लीफ से। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक नेचुरल तोरल बनाना था, तो मैंने यहाँ पे एक बनाना लीफ यानी कि केले का पत्ता ले लिया, उसके एक तरफ के भाग को मैंने हटा लिया और दूसरे तरफ के भाग को मैंने कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया, जिसमें कोई और यूज नहीं करना है, बस फिंगर का यूज करके इस तरीके से फाड़ना है। फिर ऊपर वाले साइड पे मैंने लगा लिया था फेविकॉल और वहां पे मैंने गेंदे के फूल को कुछ तोड़ने के बाद यहाँ पे फैला लिया। जैसे ये ड्राई हुआ मैंने इस तोरल को यहाँ पे सिंपली हैंग कर लिया वॉल पे। अब मैंने यहाँ पे बनाना लीफ और गेंदे के फूल से छोटे छोटे से नेचुरल फ्लावर बनाए हुए थे और ये मैंने पूरे बैक एरिया पे दीवार पे लगा लिए थे और दोनों तरफ की वॉल पे भी लगा लिए थे। वो भी मैंने यहाँ पे ग्लू गन का हेल्प ली है। आप मास्किंग टेप या फिर यहाँ पे डबल साइडेड टेप उन्हें भी ले सकते हैं। तो नवरात्रि आ रही थी और इतनी शुभ चीज मुझे इसी समय पे करनी थी और मैंने गर्ग फर्नीचर से ऑर्डर कर लिया ये शीशम वुड वाला हैंड क्राफ्टेड ब्यूटिफुल टेम्पल हमारे पूजा घर के लिए। इसका काम सच में अमेजिंग है। पैकेजिंग अच्छी थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई टूट फूट नहीं हुआ, अच्छे से मेरे घर पे पहुंच गया। एंड एज यू कैन सी इसका हर एक एक काम हाथों से किया गया है और ये शीशम वुड है और इसका नेचुरल कलर ही ना सच में दिल को छू जाता है। इसका हर पार्ट अलग अलग आया है, आप इसे घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किसी को बुला के भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी प्रोसेस है तो आप इसे ईजिली कर लेंगे वीडियो को देख के। आप इसका हर एक काम देखेंगे तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितनी मेहनत से बनाया गया है। इसके हर पार्ट को हमने इसमें ज्वाइंट कर लिया था और इसका पूरा लुक अब फिनिश ही होने वाला है। बहुत लंबे टाइम से ना मैं अपने घर के पूजा घर के लिए कुछ इसी तरीके का टेम्पल ढूंढ रही थी एंड फाइनली गर्ग फर्नीचर में मुझे ब्यूटीफुल सा टेम्पल मिल गया। इसकी दो बातें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो इसका जो नक्काशीदार काम है, आप देखो तो सही कि इसकी हर जगह की नक्काशी कितनी अच्छे से और कितनी बारीकी से की गई है। एंड द सेकेंड थिंग इज इसे आप इजीली ना खोल सकते हो और कहीं भी ले जा सकते हो और इसे इंस्टॉल भी इजीली कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने इसे कर दिया है। और जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि इसमें दो ड्रॉर हैं, अब यहाँ पे हमने इसे अपने पूजा घर में रख लिया है एंड फाइनली हमारी माँ भी यहाँ पे विराजमान होने वाली हैं और उसके बाद यहाँ सारा का सारा माहौल पूरा नवरात्रि का बन चुका है। अगर आपको ये टेम्पल पसंद आया है तो आप भी गर्ग फर्नीचर से खरीद सकते हैं। मैंने उनके चैनल को मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी उनका पेज है जिसे कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड फाइनल लुक आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। जय माँ दुर्गा लिखना मत भूलना एंड हैप्पी नवरात्रि एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।